बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि 30 मई से पहले हर राजनीतिक दलों को बंद लिफाफे में चंदे की जानकारी देनी होगी। मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है, 30 मई से पहले इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी, यानी तब तक तो नई सरकार का गठन भी हो चुका होगा, यानी 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि एक दिन का समय और लगे, 24 मई हो जाए, क्योंकि वीवीपैट का मिलान करना है, तो 23 से 24 के बीच परिणाम आएगा। और उसके बाद आ जाइए अब 23 मई यानी 30 मई 30 मई को आपको जानकारी देनी होगी, उसके पहले तक आप जानकारी दे दीजिए। अगर आप जीते तो भी ठीक, अगर आप हारे तो भी, यानी ना तो आप खुशी मना सकते हैं और ना दुख व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको बिजी रख रहा है। सभी दल चुनाव आयोग को जानकारी दें, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है, 30 मई से पहले जानकारी देनी होगी। सभी दल चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी देंगे और बकायदा सील बंद लिफाफा होगा, चुनाव आयोग से साझा करें, यानी चुनाव आयोग से भी साझा करें, सुप्रीम कोर्ट को भी दे। बड़ा फैसला है ये, और सभी दलों को, और ये सभी के लिए सरदर्द है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो निष्पक्ष चंदे की बात कहती रही लेकिन बैकडोर से चंदा लेती रही और तमाम सवाल उठता रहा, तो सभी को जानकारी देनी होगी। सील बंद लिफाफे में आयोग से साझा करना होगा, आयोग मतलब आप समझ रहे हैं चुनाव आयोग। चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, और मामले की विस्तृत सुनवाई भी होनी है। ये बड़ी अहम खबर है, 11 बजे की ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और इंतजार सभी को था इस तरह के फैसले का, और आ गया है ये फैसला। मामले को विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, आप जान लीजिए। सील बंद लिफाफे में जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 मई से पहले राजनीतिक दलों को बंद लिफाफे में चंदे की जानकारी देनी होगी। आप तो ये जानते ही होंगे, सभी को चंदे मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए, दिए जाते हैं कि आप लड़िए चुनाव, और अब उस चंदे की जानकारी इन लोगों को देनी होगी। और हमारे संवाददाता आवेश उस्मानी, जो सुप्रीम कोर्ट कवर भी करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आवेश, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जरा बताइए आप सरल भाषा में। आवेश, आप ऑन एयर हैं आप। झटका इस बात पे है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि जो अर्जी आई है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को जो पारदर्शिता लाने की बात की जा रही थी, और कहा जा रहा था कि इससे काला धन का इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाए, क्योंकि अभी चुनाव है और चुनाव के समय में कोई फैसला देने से वो प्रभावित हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका फिलहाल खारिज नहीं की है और अपना एक अंतरिम आदेश जारी किया। ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, और इस आदेश में ये कहा गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है या जिनको दिया जा रहा है, उनके नाम, जिन लोगों से उनको पैसा मिल रहा है उनके नाम एक सील बंद लिफाफे में करके इलेक्शन कमीशन को देना है। 30 मई जो है इसकी तारीख मुकर्रर की गई है कि 30 मई तक सभी पार्टियों को उन लोगों के नाम देने हैं जिनके जरिए किसी भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिल रहा है, चंदा मिल रहा है, सबसे अहम बात यह। और दूसरी बात यह है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा, और फिलहाल इस मामले अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई कि किस तारीख में इस मामले की सुनवाई होगी। मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक अहम फैसला यह आया है कि जो पारदर्शिता की बात हो रही थी इलेक्टोरियल बॉन्ड को लेकर, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और अब उन लोगों के नाम भी एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन को पता चल सकते हैं कि किनके पास जो है इलेक्टोरियल बॉन्ड के जरिए पैसा जा रहा था और वो किस पार्टी को जा रहा था। तो ये एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो अंतरिम आदेश है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको ये बताना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनको किसने पैसा दिया है, उसको एक सीलबंद लिफाफे में करके चुनाव आयोग को देना, और वो जो सीलबंद लिफाफा होगा वो सिर्फ चुनाव आयोग के पास जाएगा, उसको चुनाव आयोग अभी फिलहाल देखेगा नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। राहुल, बिल्कुल, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला है, जरा वीरेंद्र हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो चंदे मिलते हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, सारे दलों को मिलते हैं, अब उस चंदे का हिसाब यानी चुनाव आयोग को देना होगा। देखिए राहुल, ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। व्यापारी व्यापार करे तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी सब दे, कहां से कमाया, कहां से खर्च किया,
नौकरी पेशा आदमी कितना वेतन पा रहा है, कितना इनकम टैक्स दे रहा है, सब एक नंबर में आता है। राजनीतिक दल इस दायरे में क्यों नहीं? ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और राजनीतिक दलों को करोड़ों अरबों अरबों रुपए चंदे आते हैं, वो चंदे कौन दे रहा है ये बात पूरे देश को जानना चाहिए। और चुनाव सुधारों की दिशा में ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इस फैसले का बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। इस देश में जब पारदर्शिता की बात की जाती है, ईमानदारी की बात की जाती है, और एक तरफ राजनीतिक दलों के पास करोड़ों अरबों खरबों के चंदे आते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, ऐसे में आम जनमानस अपने आप को ठगा महसूस करता है, सरकारों के सामने कमजोर महसूस करता है। अब ये वक्त आ गया है, इस तरह के फैसले ने दर्शाया है कि इस देश में जो वोट जिस राजनीतिक दल का जो समर्थक है, जो आम आदमी है भारत का, वो जाने कि किस दल को किसने कितना रुपया चंदा दिया है। अभी तो देखिए लोकसभा चुनाव में ऑब्जर्वर लगे होते हैं जो ये देखते हैं कि खर्चे का कितना, किस प्रत्याशी ने खर्चा किया है, लेकिन वो पैसा उसके पास कहाँ से आया है इसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और इस पर विस्तृत सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट और आज जल्दी इस पर फैसला दे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोगों का और भविष्य संवरे, देश और तरक्की करे। नंबर एक पे जब ट्रांजेक्शन होगा, सब कुछ साफ साफ होगा, तो कहीं पर कोई बेईमानी की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, काला धन का इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और जो लोग भ्रष्टाचार और काला धन का हल्ला मचाते हैं, उनको भी इस दायरे में आकर ये बात हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। आवेश, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ ने ये क्लियर कहा कि भाई जब व्यापारी सब इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, स्वागत योग्य फैसला है ये, तो राजनीतिक दल क्यों ना आए? जब उन्हें चंदा मिल रहा है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्टोरियल बॉन्ड का जो फैसला जो आया है, ये प्रक्रिया जो आई है, ये सरकार का अपना नीतिगत फैसला और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से जब एक हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें ये बात कही गई कि कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका दूसरी पार्टियों से अगर तुलना की जाए, इलेक्टोरियल बॉन्ड के जरिए जो उनको फंडिंग मिली है वो कई गुना ज्यादा है। तो इसमें एक बॉन्ड, एक बात ये भी कही, मगर जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से ये बात लगातार कही जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि इसमें काले धन को लोग सफेद करने के लिए अपना पैसा दाखिल कर रहे हो। बैंक जो है वो एक चिट जो है वो जारी करता है, इलेक्टोरियल बॉन्ड जारी करता बिल्कुल है। मैं आपसे बात करूंगा, धनबल और बाहुबल को जो राजनीति में बढ़ावा मिल रहा था, निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद उसमें कमी आएगी, नैतिकता को जगह मिलेगी। अब याचिकाकर्ता जिन्होंने ये याचिका लगाई थी, जगदीश जी, उनकी बात सुन लेते हैं। आज के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम निर्णय दिया है, इंटरिम जजमेंट, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो दिया है डोनर का, डोनर के पर्टिकुलर्स, उनको इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड बंद लिफाफे में देने होंगे। और क्योंकि ये आखिरी जो टाइम है बॉन्ड देने का, बॉन्ड खरीदने का, वो 15 मई है, उन्होंने कहा है 30 मई तक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बॉन्ड्स का ब्यौरा के किसने उनको दिया है ये इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उसे अपने पास रखेगा और फिर आगे तारीख लगेगी जब फाइनल पूरा फैसला होगा। तो यानी ये अंतरिम फैसला है, फाइनल जजमेंट नहीं है। आवेश, जगदीश छोकर कह रहे हैं कि ये अंतरिम फैसला है, फाइनल जजमेंट नहीं है। जी बिल्कुल, ये अंतरिम ही फैसला है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले ये बात कही है कि इस मामले में विस्तृत जानकारी की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट इसको तफसील से सुनेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए यही बात कही कि जिन पार्टियों को चंदा मिल रहा है, जो लोग चंदा दे रहे हैं, उनके लिस्ट जो है बना के सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को दिया जाए 30 मई तक, और वो चुनाव आयोग अपने पास रखेगा, अगर जरूरत पड़ी तो उसको खोला जाएगा। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब अगली तारीख लगे इस मामले में सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट में वो बात रखी जाए और वो सीलबंद जो रिपोर्ट होगी या जो लिस्ट होगी वो भी सुप्रीम कोर्ट में रखी जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक
बड़ा फैसला सुनाया है और इससे पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सरकार कह रही थी ये पारदर्शिता लाने के लिए ये इलेक्टोरियल बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई है, ताकि ये पता चल सके किसने चंदा कहाँ जा रहा है और उसके ऊपर एक कंट्रोल किया जा सके। उसमें भी ये बात सामने सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही थी कि कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं आ पा रही है। हो सकता है कि कोई शेल्फ कंपनी जो है वो इसमें चंदा दे रही हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर कोई शेल्फ कंपनी चंदा दे रही तो वो किस निस्बत से दे रही है, वो किसकी कंपनी है, क्योंकि शेल कंपनियां अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करती हैं कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त कंपनियां हैं। बिल्कुल, बातें भी सुप्रीम कोर्ट में रखेगी, सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी रखेगी कि कई जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी और कई जिनका प्रभाव होता है। चलिए आवेश, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और वीरेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है उनसे जानेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इन सब इस फैसले के बाद धनबल पर जो राजनीति में हावी हो चला था उस पर लगाम लगेगा। और आगे बढ़ेंगे, वाराणसी से इसके बाद खबर आएगी, वाराणसी से खबर है।